ओके स्टूडेंट्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग यू द वर्ड्स अगेन यू कैन यूज़ दिस वर्ड इवन एज ए सिनोनिम्स आप इन शब्दों को सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं लेकिन जब फिलर दी भरने की बात आएगी तो तीनों शब्द आपको मिलेंगे यहाँ और आपको चार शब्द भी दे दिए जाएंगे आपको इस पर खोजना होगा तो मैं पहले आपको कन्फर बताता हूँ कन्फ्र का मतलब होता है कन्फर ये होता है इंग्लिश वर्ड में इसका उपयोग हम उस वक्त करते हैं जब किसी भी व्यक्ति को कोई ऑफिशियल टाइटल दिया जाता है जैसे मान लीजिए किसी को हम लोग देते हैं भारत रत्न किसी को हम लोग देते हैं आपको पदम श्री वगैरह तो भारत रत्न देते हैं तो वो व्यक्ति इस्तेमाल करता है या किसी को आप देखते होंगे पहले राजा की उपाधि दी जाती थी कोई सम्राट का उपाधि लेता था तो वो सारे चीज़ कन्फर्म में आते जब किसी भी व्यक्ति को कोई टाइटल दिया जाता है मतलब कोई एक प्रकार का कोई टाइटल दिया जाए कोई नाम दिया जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कन्फर देना कन्फ्र कर दिए दूसरा होता है बेस्टू यानी बेस्टू मतलब भी होता है किसी को कुछ देना लेकिन जब किसी व्यक्ति को कोई वेरिएबल चीज़ देते हैं कोई वैसा कीमती चीज़ देते हैं जो उसके जीवन का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है जैसे हम लोग बोलते हैं बेस्टो विथ स्पेशल रिगार्ड तो जब बेस्टो का मतलब होता है जब कोई कीमती चीज़ किसी को दे मतलब कोई टाइटल दीजिए कोई चेयरमैन का पद दे दीजिए या आप देखिएगा लंदन में आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं जो आजीवन बनते हैं वो सब में जब आपकी अपॉइंटमेंट कर आपको जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो सदस्य बनाए जाते हैं तब तो उस सब समय में बेस्टो वर्ड यूज होता है अवार्ड एवॉर्ड का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को इनाम देना चाहे वो पैसे का दीजिए चाहे वो किसी चीज़ का दीजिए तो उसे हम लोग बोलते हैं एवार्ड एक और टू भी एक वर्ड है जो हमेशा टू के साथ आएगा मतलब तो किसी भी व्यक्ति को विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट देना यानी कि उसके साथ एक अलग तरह का व्यवहार करना आप देखिएगा कि कोई भी चीफ गेस्ट होता है किसी भी फंक्शन में भाग लेता है तो हम लोग चीफ गेस्ट को एकॉर्ड टू देते हैं मतलब उसे विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट देते हैं मतलब उनके साथ एक दूसरे तरह से व्यवहार करते हैं बाकी लोगों के साथ व्यवहार अलग होता है तो कन्फर्म होता है जब किसी को अधिकारी यानी सरकारी कोई टाइटल दिया जाए जैसे पहले नवाब की टाइटिल फिर आपको महाराजा की टाइटिल आज भी भारत रत्न वगैरह कोई भी टाइटल दिया जाता है तो वो कन्फर्म करते हैं हम लोग बेस्टों का मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति को कोई वेरिएबल चीज़ दिया जाए यानी उसके जीवन को बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जैसे आप कह सकते हैं इसमें पद्म भू विभूषण का प्राइज़ हो गया स्टेट गवर्नमेंट भी कोई पुरस्कार देती है वो हो जाएगा और जब अवार्ड होता है जब कोई आदमी अच्छा काम करता है कुछ अच्छा करता है तो उससे हम लोग पुरस्कार देते हैं चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो पढ़ाई के क्षेत्र में हो सभी क्षेत्रों में और एकॉर्ड टू मतलब होता है विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट देना हम किसी प्रकार को व्यवहार देते हैं जैसे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है इसलिए ये चार शब्द हैं जिसे आप साइनो के रूप में यूज करते हैं लेकिन जब आप फिलर क्रोस किसी और चीज़ को बनाइएगा तो इनका यूज अलग अलग होता है थैंक यू